शाबा का जो उरुस है वो रबीउल आखिर में आता है। ये माहिम का एक मेला है जो गैजेटेड मेला है, ओवर सेंचुरी चल रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने गैजेट किया है, तो उसको संभालने की मेले की जिम्मेदारी माहिम दरगाह ट्रस्ट को दी गई है। तो इसमें ऐसा है कि ये लगभग 1 मिलियन आदमी ये 10 दिन में इधर आता है, तो उसके लिए हमारे को पूरे प्रशासन से मदद मिलती है। हर ऑफिसर यहाँ कनेक्टेड हो जाता है, जैसा मुंबई पुलिस है, BMC है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है, कलेक्टर है, फायर ब्रिगेड है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ये सब की आज पहली मीटिंग यहाँ स्टार्ट हुई थी। 21 या 22 दिसंबर से मेला स्टार्ट होने वाला है, और इसमें ऐसा है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हमारा अलग है, ट्रैफिक के साथ में हमारे कम से कम 250-300 वॉलंटियर्स हैं जो ट्रैफिक में, रेलवे में ज़ायरीन के लिए, पेडिस्ट्रियन के लिए और दरगाह के लिए नॉमिनेट करे जाते हैं, और वो लोग को जो है ऑफिसर बनाया जाता है फॉर 10 डेज, जिसको पुलिस, ट्रैफिक और माहिम दरगाह सर्टिफाई करती है। तो इसमें स्मूथ ऑपरेशंस के लिए क्या होता है कि एक इजी हो जाता है, दो लोगों को थोड़ा हमारे साथ में टॉलरेट करना पड़ता है, बिकॉज ये 10 दिन में 1 मिलियन आदमी को हैंडल करना ऑन द सेम रोड, जो कैडल रोड है, LG रोड है, और अभी मेट्रो का भी काम चालू है, तो उसमें कुछ लोगों को डेफिनेटली थोड़ी तकलीफ होती होगी, थोड़ा टॉलरेशन लेवल में चाहता हूँ कि लोग रखें, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मेला जो है वेरी स्मूथली ऑपरेट हो। इसके अलावा क्योंकि लोग बाहर से भी आते हैं, महाराष्ट्र के कई इलाकों से आते हैं, देश भर से आते हैं, तो कई ट्रेन और बस की सुविधा भी शुरू की जा रही है, उसके बारे में क्या जानते हैं? हम लोग BST बसेस को लेटर्स लिख देते हैं, तो वो लोग अपने एक्स्ट्रा बसेस भी इन्वॉल्व कर देते, प्लस ट्रेन में भी हमारे यहाँ के लोकल MP है जो लेटर्स लिखते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, तो ट्रेन के टाइमिंग्स भी हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देते ताकि लोगों को सहूलत होवे और रात भर उनको स्टैंडर्ड होना नहीं पड़े। जैसा कि 1-1 घंटा हम लोग ने ट्रेन के एडवांस टाइम ले लिए 3:30-4:30 बजे तक, और फ्रेश ट्रेन जो चलती 5:30 बजे तक, तो वो 3 घंटे का गैप भी उनका बच जाता है। तो ऐसा सहूलत के लिए हम लोग ने ट्रेन से, ट्रैफिक से और दूसरे भी डिपार्टमेंट जितने भी, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जैसा BMC है, इस पर काफ़ी साथ देती है हमारा, जो रोड की क्लीनिंग मेंटेनेंस के लिए एक, फिर उसके बाद में टेम्प्रेरी जो टॉयलेट्स भी बनती है लोगों के लिए जो इधर आते हैं, तो इसमें यानी हर चीज़ का एक एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है और काफ़ी प्रोफेशनली इसको हैंडल करते। बट बिकॉज के रोड के कंजेशन के वजह से और मेट्रो के काम के वजह से जो आज ट्रैफिक की तकलीफ होती है वो थोड़ा एक दिक्कत रहेगी लोगों को, बट उसमें भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वॉलंटियर्स उसको स्मूथ ऑपरेशन कैसा करें। उसमें रोड के डायरेक्शंस भी कुछ चेंज कराते, कुछ टाइमिंग्स हम लोग चेंज करते, जिसमें पुलिस भी हमारा सहूलत देती है और यहाँ के लोकल जितने भी रेसिडेंट्स हैं उसका हमारे को काफ़ी साथ है, बिकॉज हर रेसिडेंट्स का एक लड़का हमारे साथ में एज ए वॉलंटियर जुड़ा हुआ है, बिकॉज हर एक की नस्बत जो लगी हुई है माहिम दरगाह से लगी हुई है, और वो चाहते हैं कि माहिम का भी नाम ऊँचा हो मखदूम शाहबा के नाम के साथ में। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रुकने किस तरह के इंतजाम दरगाह की तरफ से किया गया है? नहीं, यहाँ यूजुअली यहाँ रेसिडेंट्स का रहने का इधर इंतज़ाम नहीं होता है, बट यहाँ माहिम मेमन हॉल करके एक है जो पूरा खुला रहता है, लगभग 20-25 हज़ार स्क्वायर फीट का हॉल है, तो उसमें टेम्प्रेरी कुछ घंटों के लिए उनको रेस्ट के लिए, टॉयलेट के लिए या खाने के लिए वहाँ अरेंजमेंट करा देते, बट ओवरनाइट स्टे डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज मेले के 1:40 तक दरगाह का मामूल हो जाता है और लुबान हो जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट डे इवनिंग में मेले का जोश व सवाब चालू रहता है, तो ड्यूरिंग द डे लोग दरगाह पे आते हैं, वो टाइम पे ट्रैफिक कम होती है, बट 6 बजे के बाद में यहाँ ट्रैफिक का और लोगों का काफ़ी रहता है।